आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारद यानी मरकरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पारद यानी मरकरी। दूसरा प्रश्न है, अस्कार्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी। तीसरा प्रश्न, फेफड़ों के आवरण को खाली स्थान कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी फुसफुस झिल्ली, ऑप्शन सी पेरिकोन्ड्रियम, ऑप्शन डी पेरिटोनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फुसफुस झिल्ली। चौथा प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी चार्ल्स हेनरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। पांचवा प्रश्न है, डायनामो एक यंत्र है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, ऑप्शन डी वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। छठा प्रश्न, जेट इंजन खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रैखिक संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रैखिक संवेग। सातवां प्रश्न, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी केसिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकसित वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी वसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोटीन। नौवां प्रश्न, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की विभिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी हिंग्स बोसान, ऑप्शन सी धनायन, ऑप्शन डी ऋणायन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समस्थानिक। दसवां प्रश्न, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अपने हाथ एक साथ मिला लेना चाहिए, ऑप्शन बी अपने हाथ ऊपर उठा लेना चाहिए, ऑप्शन सी हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाना चाहिए, ऑप्शन डी अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।